हेलो एवरीवन, आई एम विजय मौर्या फ्रॉम टीम सपोवेज एचआर। आज का दिन आप लोगों के लिए काफ़ी खास है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ESIC की न्यू अपडेट आई है। आपको विंडो पे शो भी हो रहा होगा कि ये विंडो पे क्या अपडेट आई हुई है। इस विंडो पर क्लियर एक नोटिस आ रहा है, ये देखिए, ये नोटिस आया हुआ है ESIC के पोर्टल पर। ये नोटिस आ रहा है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए, स्पेशली एम्प्लॉयर्स के लिए, और एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि उनका IP कितना टाइम लगेगा बनने में और कितना टाइम नहीं लगता। तो क्लियर एक नोटिस आया है, नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है, पहले मैं इसको रिपीट करता हूँ, दो बार बताऊँगा, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, आप ध्यान से समझना। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी ऑनलाइन उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। द ऑनलाइन सिस्टम शैल अलाउ मैक्सिमम 10 डेज टू रजिस्टर द न्यू एम्प्लॉयज़। इट मीन्स कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 10 दिन के अंदर अंदर उनका IP नंबर बनाना मैंडेटरी है। अगर आप 10 दिन के अंदर उनका IP नंबर नहीं बनाएंगे, IP की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट पर्सन, 10 डिजिट्स का जो IP नंबर होता है, अगर 10 डेज के अंदर विद इन अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप नहीं बनाएंगे तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। क्लियर लिखा हुआ है विद इन अ 10 डेज, 10 डेज के अंदर मैक्सिमम टाइम उन्होंने दिया हुआ है। सेकेंड अपडेट जो आई है उससे भी ध्यान देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट एम्प्लॉई मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन द ड्यू डेट। यू शैल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एंड डेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, इट मीन्स कि जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आप डिपॉजिट करते हैं एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का 0.75%, एम्प्लॉयर का 3.25%, टोटल 4%, वो आप 42 डेज के बाद कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ आपके पास टाइम जो बचता है वो है 42 डेज का। 42 दिन से पहले पहले आपको अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। वैसे तो आप ड्यू डेट से पहले कीजिए, 15 तारीख लास्ट डेट होती है, फिर भी गवर्नमेंट ने आपको 42 डेज का टाइम दिया है। इससे ज़्यादा अगर डिले होता है तो आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो आज की ये दो अपडेट्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं बता देता हूँ ये आपको कहाँ कैसे शो होगा। सो लेट मी टेल यू 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लॉग इन ESIC, ये वाली वेबसाइट है www.esic.in। इस वेबसाइट को आपको मोजिला पे खोलना है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोजर पे, ये क्रोम पर नहीं चलती है। इस वेबसाइट पे आप लॉग इन करेंगे तो ये होम पेज आपका आ गया, ये देखिए होम पेज के पास यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू लॉग इन, आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यू हैव टू कम हेयर, यूजर ID एंड पासवर्ड डालना जो आपके पास ऑलरेडी होगा रजिस्टर्ड करने के बाद, एंड कैप्चा ये नंबर डाल देना। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे ये आपका होम पेज आ जाएगा। ये देखिए इस होम पेज पे बिल्कुल सेंटर में ही मैसेज आ रहा है नोटिस, और इस नोटिस को आप लोग प्लीज़ टेक केयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने 10 डेज के अंदर किसी का IP नंबर नहीं बनाया विद इन डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो आप उसका IP बना नहीं पाएंगे, और फिर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको फ्यूचर की डालनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं विजय मौर्या आपको नई अपडेट के साथ फिर दोबारा मिलूंगा इसी जगह इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, विजय मौर्या।